मुझे भरोसा है कि आप सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की बहुत अच्छी तैयारी में जुटे होंगे। जैसे कि पहले भी कहा था कि 4 मई से परीक्षाएं सुनिश्चित थी, तब भी आपके मन में आता था कि जनवरी होंगी या फरवरी में होंगी, तो वो असमंजस हमने बहुत साफ किया था और आपको वक्त भी दिया था कि आप थोड़ा सा आपको समय दिया जाएगा ताकि आप स्थिर तरीके से अपनी तैयारियों को कर लें। मुझे आशा है कि इस समय का आपने बहुत अच्छे तरीके से आप उपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं 4 मई से हैं। पीछे के समय में मैंने ये भी कहा था कि सौदे के एक सेमिनार मैंने कहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 तारीख तक, 2 तारीख को आपको आपका जो विस्तार पूर्वक विषयवार तिथिवार कुछ आपको डेट शीट भी उपलब्ध करा सकें। और मुझे कहते हैं कि डेट शीट आपको मिल रही है और इसमें बहुत कोशिश की गई है कि आपकी विषयों के बीच जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बीच समय को थोड़ा सा अंतर हो ताकि आपको तैयारी करने के लिए अच्छा मौका मिल सके और आप तनाव मुक्त रहें। हमेशा कोशिश करते रहें कि हम आपके साथ जुड़े रहें और आपको कहीं तनाव ना हो, मानसिक दबाव ना हो, आप मस्ती के साथ अपनी तैयारियों को करें। और मुझे इस बात को कहते हुए गर्व भी महसूस होता है कि इस देश के करोड़ों करोड़ों छात्रों ने निश्चित रूप में अपनी लीडरशिप में अपने परिवार के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश की, सुरक्षित रखने की कोशिश की, और स्वयं भी वो सुरक्षित रह सकने में हमेशा सफल रहे हैं। मेरी आपको बहुत शुभ, मुझे भरोसा है कि अब जो ये डेट शीट आपको मिल रही है इसके आधार पर आप खूब मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे। और आपने तब भी दुनिया को बताया जब पूरी दुनिया इस कोरोना काल के महासंकट से गुजर रही, परेशानी का सामना कर रही थी और अभी भी कर रही है, तब हम भारत के छात्र पूरी ताकत के साथ हर परीक्षा को देने को तैयार हैं। हम अपनी सुरक्षा भी देखेंगे, अपनी रक्षा भी करेंगे, अपने भविष्य को भी संवारेंगे और अपने संवारा है। आपने विषम परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत मनोयोग से आपने परीक्षाओं को दिया और सफलता अर्जित की है। मुझे लगता है ये पूरी दुनिया का अपने में अलग सा ही उदाहरण होगा। और जिस तरीके से पूरी दुनिया में हम ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए लाए कम समय में और कोशिश की कि उत्कृष्ट कोटि का कंटेंट आपको ऑनलाइन मिल सके, और मैं अध्यापकों के प्रति भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे विषम परिस्थिति में भारत के जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने योद्धा की भूमिका निभाई और बच्चे को अभिभावक के साथ मिल करके और उसको न केवल सहारा दिया, न केवल संरक्षण किया, बल्कि उसके समय को भी बर्बाद नहीं जाने दिया। ये उदाहरण भारत की धरती पर जो आपने दिया है निश्चित ही पूरी दुनिया के लिए एक अलग सा प्रेरक उदाहरण है। मैं आपको शुभकामना देने के लिए फिर आपके बीच आया हूँ। आप बहुत मस्ती के साथ तैयारी करिए, आपकी परीक्षाएं अब 4 मई से शुरू होनी हैं। पहले भी आपको इतना पर्याप्त समय दिया है, अब धीरे धीरे करके कोरोना का जो ये संकट है इससे मुक्ति मिल रही है। और जैसे कि आपको मालूम है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहले से ये कहा कि ये जो चुनौती इसका डटकर हम मुकाबला करेंगे और इनको हम अवसरों में तब्दील करेंगे, और हम सब ने इनका इन परिस्थितियों का डटकर के मुकाबला किया है। आपने भी किया, अभिभावक ने किया है, अध्यापक गण ने किया है, और निश्चित रूप में हमने इनको अवसरों में तब्दील किया है। पूरी दुनिया ने हमको देखा है और अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पूरी दुनिया में हमारा देश एक एक नहीं दो दो वैक्सीन लाए हैं। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि न तो डरने की ज़रूरत नहीं और ना मन को कमज़ोर करने की ज़रूरत है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि अभी भी चौकस रहा जाए और अपनी सुरक्षा को अच्छे तरीके से देखा जाए, जब तक कि ये अंतिम ऐसी परिस्थिति ना हो जाए कि नहीं आप बिल्कुल सब सामान्य हो गया और हम सुरक्षित रहेंगे। तब तक तो चौकस हमको रहना होगा, जागरूक रहना होगा, जागरूक करना भी होगा। तो एक बार फिर
जो आज आपको ये डेट शीट हम दे रहे हैं उसके लिए आपको शुभकामना। मुझे भरोसा है कि आप इसका समय का बहुत उपयोग करेंगे। नमस्ते, जय हिंद और धन्यवाद।